नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं मिरेलीपुर जो दासपुर पंचायत के अंतर्गत आता है एक सुदूर देहाती क्षेत्र में हूं और यहां पे इसको आप एक तरीके से दियारा क्षेत्र कह सकते हैं। एक समय था जब लोग इस गांव का नाम सुनकर के सिहर उठते थे कि हम इस गांव में अब कैसे जाएं। मैं उस गांव में पहुंच चुका हूं, अपना लाइव की टीम आई हुई है और हम जानते हैं यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि से कि आखिर कैसे आपने इस तरीके का बदलाव किया और यहाँ पे जो विकास की बात हो रही है वो उसको आपने कैसे अंजाम तक पहुँचाया। यह तो पंचायत में केंद्र की पैसा है, केंद्र ने सरकार ने जो पंचायत में पैसा दिया है उसी से पंचायत का विकास हो रहा है। खास करके कितना पैसा मिला वो आबादी के अनुसार पैसा पंचायत पर मिला, जिस पंचायत में जितनी आबादी है। मिरेलीपुर की आधी आबादी भगतपुर पंचायत में भी आती है। मिरेलीपुर खास ताजपुर पंचायत पांच गांव की पंचायत है, ताजपुर, बिशनपुर, सादीपुर, मिरेलीपुर, सहबेपुर, वही छोटा एक आधा टुकड़ा है। आप युवा वर्ग से हैं और युवाओं के लिए कौन सा कुछ योजना वगैरह? युवाओं के लिए तो सड़क मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना मुखिया के फंड में सिर्फ सड़क को दिया गया, सड़क बनाने के लिए ग्रामीण सड़क को जोड़ा गया है। सड़क को जोड़ा, तो नौकरी देने का तो इन्हें युवाओं को हम नौकरी तो नहीं दे सकते हैं, मनरेगा में काम तो दे सकते हैं। मनरेगा में काम चल रहा है, युवाओं को मनरेगा में जो जो गरीब मजदूर है उसको काम मिलेगा। जो गरीब मजदूर है उसको मनरेगा में बहुत काम किया है हमारे पंचायत में। कुछ बातें ऐसी भी सुनने को मिल रही है कि मनरेगा में फंड ही नहीं होता। नहीं, फंड है, पैसा लेट सेट से आ रही है, पैसा मटेरियल का पैसा है, लेट सेट से आती है, मजदूर का तो पेमेंट हो रहा है। आपके पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र से कितना संतुष्ट हैं आप? आंगनबाड़ी केंद्र से संतुष्ट नहीं, ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं, सीडीपीओ साहब को पैसा तो पहुंचवा देते हैं आप? सीडीपीओ पैसा लेती है अपना, मैनेज कागज पत्र करती है, आंगनबाड़ी केंद्र जितने भी चले सब कमजोरी चल रही है, कहीं कुछ नहीं। नहीं, सब चलता है लेकिन हिसाब किताब मैनेज है, सीडीपीओ पैसा लेती है। दियारा क्षेत्र है मुखिया, यहाँ पे लोग जॉब से रिलेटेड जो लोग होंगे उनका परसेंटेज कम, किसान ज्यादा होंगे और जब शरीर थक जाता है यानी वृद्ध हो जाते हैं लोग, तो वृद्ध लोगों के लिए जो आपके गार्जियन होते हैं उनके लिए आपने क्या सोचा? जो मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना चलाए हैं, जो मदद के लिए मुख्यमंत्री वृद्धा योजना, कितने लोगों को पेंशन दिलाए? अभी तक फॉर्म चालू भरना शुरू है, मिलते करेगा जो नियम 60 वर्ष के ऊपर जिसको होता वो सभी को मिलेगा। अटल सात निश्चय में कितना काम हुआ? 1 करोड़ के ऊपर लगभग। 1 करोड़, 35% तो कमीशन गया होगा? वार्ड मेंबर समर्थन करते हैं कामों में? वार्ड मेंबर समर्थन करते हैं। आपको सहयोग मिलता है? सहयोग पदाधिकारी लोगों से? हाँ, सब सहयोग मिलता है। अच्छा, में दिक्कत नहीं है। मेरे लिए वो जो अपराधीकरण का ग्राफ घटा है, मिरेलीपुर में अपराधी अभी तक है नहीं, अभी कुछ पति नहीं, मिरेलीपुर बहुत शांत हुआ, अपराध कोई नौके नहीं। जैसे दियारा क्षेत्र के नाम से, दियारा क्षेत्र में मिरेलीपुर वसंत प्रवृत्ति का नाम, आपने यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखा, हमारा पूर्वज का देन है, अभी तक इस गांव में किसी तरह का घर नहीं, मर्डर को भी नहीं किया है आज तक, हमारे गांव में मर्डर नहीं हुआ, और भाईचारा के साथ मिलजुल के गांव में लोग रहते हैं, खास करके मिरेलीपुर गाँव। 2019 के चुनाव को आप और आपके पंचायत की जनता आवाम किस नज़र से देख रही है? देखिए, आज के तारीख में बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में
तीन उम्मीदवार का नाम आ चुका है। राजग गठबंधन से हमारे माननीय गिरिराज सिंह हैं, महागठबंधन से श्री डॉक्टर तनवीर हसन जी हैं और अकेला लेफ्ट फ्रंट की तरफ से डॉक्टर कन्हैया जी हैं। डॉक्टर कन्हैया जी और डॉक्टर तनवीर हसन ये दोनों बेगूसराय ज़िला के बेटा हैं। निश्चित रूप से इन्हीं दोनों के बीच में बेगूसराय की आवाम रहेगी। मेरे पंचायत का चूँकि राजग गठबंधन पिछले दिनों यहाँ से हमारे स्वर्गीय भोला बाबू जीते, उन्होंने या राजग गठबंधन ने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ पंचायत के मुखिया के ही ज़रिया हुआ। पिछले 5 सालों में राजग गठबंधन के उम्मीदवार से कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ और इस वक्त राजग गठबंधन से ख़ास तौर से इस क्षेत्र के लोग, बरौनी परी क्षेत्र के लोग काफ़ी नाखुश हैं, जिसका पहला कारण है यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और निश्चित रूप से कि एक तो लोकल उम्मीदवार, दूसरी बात है कि वैशाली को भेज दिया गया है सहरसा, जिससे यहाँ के जो आवाम है इस क्षेत्र के, बारो उत्तरी, बारो दक्षिणी, उत्तरी निपनिया, मधुरापुर, पकठौल, धनकौल, फिरतौर, अमरपुर, जयनगर, गंगा प्रसाद, इस क्षेत्र के लोग काफ़ी नाराज़ हैं और इस नाराज़गी का फायदा दूसरे गठबंधन को मिलेगा। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, क्या बेगूसराय को आप वीरभीन मानते हैं? हाँ मानते हैं, यहाँ तो एक से एक कवि, एक से एक नहीं वीरभीन होने कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई वीर ऐसा नहीं है जो बेगूसराय को नेतृत्व कर सके। वीर तो है, इन लोग को मौका मिलेगा तब तो, मौका तो मिलना चाहिए तब तो, वीर तो बहुत है लेकिन मौका तो मिल देता नहीं सरकार। किसी ऐसे नेता का नाम बता सकते हैं जो नेतृत्व करने में सक्षम है बेगूसराय? हाँ वो है, अभी तो जैसे वर्तमान में सांसद जो चुनावी हो रहा है इसमें तुमको रजनीश कुमार प्रथम स्थान नजर आता है। ऐसे गिरिराज सिंह का नाम आ रहा है लेकिन हमको नहीं लगता, जो अपने क्षेत्र का लोकल आदमी है तो उससे लगाव ज़्यादा रहता है, क्षेत्र से जनता से बेसी उसको अवगत रहता है, वो वास्तविकता उसको मालूम रहता है कि मेरे क्षेत्र में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग को मानना है कि लोकल कैंडिडेट ही सर्वोपरि है। क्या लगता है आपको कि लोकल प्रत्याशी बेगूसराय में होना चाहिए या बाहर? देखिए लोकल प्रत्याशी होना चाहिए क्योंकि उसको सारी त्रुटियाँ, कमियाँ, क्या अच्छा है, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या मेरा वीकनेस है, उनको सब पता होगा। लेकिन एक बाहर वाले को आने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, उसको यहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। कुछ लोगों का कहना है कि अगर बाहर के ही प्रत्याशी बेगूसराय को बार बार थोपा जा रहा है तो PM यहाँ से चुनाव होगा। हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर PM भी चुनाव लड़ते, मेन मुद्दा है विकास, कोई भी आए विकास होना चाहिए। बिहार का मतलब जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, वो तो सबको पता ही, शिक्षा हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस मुखिया में आने के बाद, मैं जब पहले आई थी यहाँ पे अपने नानी का, इतना कहते रास्ता था ना लाइट था, अब जाके देखिए स्कूल बनवाए, नगली कहते बनवाए, कहते लोगों में बहुत जागरूकता आई है, लोग हर चीज़ के पहले मतलब लोगों में किसी झगड़ा आपस में, अब मुखिया जी से कुछ भी होता है तो सलाह लेकर काम करना, ये सब लोगों में बहुत जागरूकता है, बदलाव आया। हाँ बदलाव मानते हैं। हाँ ये चीज़ तो है, मैंने देखा है कि पहले लोगों का अब बहुत चेंजेस है इसमें। बेगूसराय में लोकल प्रत्याशी ही होना चाहिए। जी हाँ। कोई नाम? रजनीश कुमार। थैंक यू। क्या नाम है आपका? श्रीमती बबीता देवी। क्या है आप? मुखिया पर। मुखिया है किस पंचायत के? सातपुर पूर्वी पंचायत। सातपुर पूर्वी पंचायत। आधा से ज्यादा का समय बीत गया जी। ग्रामीण विकास पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो काम अभी तक आपने किया है उसमें कहाँ तक संतुष्ट है? अपना आप में संतुष्ट है कि सतरियो पंचायत से अभी मेरा गांव संपूर्ण चल रहा है, नल जल का योजना शुरू किए हैं, हर गली नाली का योजना शुरू किए हैं, नाला रोड सब बनाए हैं, ITI कॉलेज लाए हैं, DV कॉलेज लाए हैं, और जो और लोग हम लोग को समर्थ तो पंचायत के लोग हम लोग को साथ देंगे, हम और आगे
सात निश्चय में कितने का फंड का उपयोग किया है आपने? दो करोड़ का। और शौचालय का? उद्योग। आप एक महिला मुखिया, यहाँ के महिलाओं के लिए क्या काम किया? महिलाओं के लिए हम शौचालय बनवाए हैं। गैस चूल्हा वगैरह उज्ज्वला योजना से दिलवाए होंगे? प्रधानमंत्री योजना तो गैस चूल्हा दिलवाए हैं। भूल जाती है। 500 गैस। चूंकि आप यहाँ के बहू हैं तो यहाँ के बुजुर्गों के लिए भी कुछ न कुछ काम जरूर किया है। वृद्धा पेंशन जी, कितने लोगों को वृद्धा पेंशन दिलवा रही हैं? दिलवाए तो अभी नहीं है, मगर क्या जो अभी चालू योजना चालू है वृद्धा पेंशन के लिए, कुछ लोग को जो बाकी है मिला है, कुछ लोग को नहीं मिला है। इस पंचायत की बेटी से भी आपको काफी लगाव होगा नहीं? जी। सुकन्या योजना वगैरह का कुछ काम हुआ है? बहुत तो जानकारी दी है, काम कुछ नहीं हुआ। काम दिए हैं, जानकारी लोग दिए हैं। टोटल 10 अंक आपके पास हैं, 10 नंबर आपके पास हैं, आधा से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसमें जो विकास का काम आपके द्वारा किया गया है उसमें कितना नंबर आपको मिलना चाहिए? 10 तो मिलना ही चाहिए। 10 में 10 मिलना चाहिए जी। अच्छा, बेगूसराय में हमेशा अक्सर देखा जाता है कि बाहर से प्रत्याशी थोप दिए जाते हैं। आपको लगता है कि बाहर के प्रत्याशी बेहतर हो सकते हैं यहाँ के लिए? क्या लगता है, लोकल प्रत्याशी आना चाहिए या बाहर का रहना? नहीं, लोकल ही आना चाहिए। लोकल आना चाहिए, क्यों? उसका कोई वजह खास? लोकल का आने जाने में सुविधा होता है, बाहर का आने में परेशानी भी हो सकता है। वो हमारे समाज को समझ पाते हैं, हमारे क्षेत्र को भी समझ पाते हैं, ऐसा ही नहीं? आप यही ना कहना चाहते हैं?